सभी का ब्रिलियंट कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं बच गई थी जिसको हम यहाँ पर डील करेंगे। कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिसको हम जानने का प्रयास करेंगे। वो उसके लिए कुछ शर्तें होती है जो रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करता है। देखेंगे यहाँ पर वो कौन कौन सा है ना, वो कौन कौन सा है, स्टार मार देते हैं, देखते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहला है ताप, कोमा दिए, यहां पर लिखा हमने दाब, यहां पर हमने लिखा कोमा देकर सांद्रण, सांद्रण हुआ, यहां पर हमने कोमा देकर लिखा उत्प्रेरक, उत्प्रेरक। पहला होता है ताप, दूसरा होता है दाब, तीसरा होता है सांद्रण, चौथा होता है उत्प्रेरक। यह है ना, मान लीजिए हम किसी चीज का रिएक्शन लिखेंगे, उसको कैसे इसको दिखाएंगे, कैसे उसको दिखाएंगे। हम जानते हैं इधर होता है अभिकारक, 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 यहां पर हमने तीर लिखा, तीर के हमेशा पूछ साइड में क्या होगा, अभिकारक। तीर के हमेशा आगे क्या होगा, प्रतिफल यानी प्राप्त फल, इसको बोलते हैं प्राप्त फल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्राप्त फल बोलेंगे। चलिए ये जितने चीज दिया है ये शर्ते हैं, और ये ताप है, ये दाब है, ये सांद्रण है, ये उत्प्रेरक है, इस सभी का सभी जो शर्ते हैं हमेशा ही रिएक्शन की जो तीर होती है, ये तीर दिखाई दे रहा है, इसको ऊपर लिखिए या नीचे लिखिए, बात दोनों का दोनों क्या है, बिल्कुल सही है, थोड़ा सा भी डाउट नहीं है, बिल्कुल का बिल्कुल क्या है, सही है। चलिए अगर हमको इसको दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, इसको ऊपर लिख लीजिए, ये होगा ताप, क्या हुआ, ताप हुआ, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए ये हो गया दाब, तो हमने लिखा दाब, क्या लिख दिया, दाब लिख दिया। अब बच गया उत्प्रेरक और सांद्रण, इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है, यहाँ पर स्पेस नहीं है, कोई एक ही प्रवाहित करता है, कोई नहीं तो ताप करेगा, नहीं तो दाब करेगा, उत्प्रेरक करेगा, कभी कभी दो दो काम करने लगता है, ताप भी काम करने लगता है और दाब भी, ठीक है, और उत्प्रेरक। चलिए इसको नीचे लिख देते हैं उत्प्रेरक, इसके नीचे क्या लिखेगा, उत्प्रेरक, उत्प्रेरक हो गया ना, सॉरी उत्प्रेरक हो गया, ये क्या होगी, उत्प्रेरक हो गया ना। अब इसको हम देख लिए, तीर के हमेशा क्या रहेगा, इधर पीछे साइड अभिकारक रहेगा, तीर के आगे तरफ रहता है प्रतिफल रहता है, और इस तीर के ऊपर लिखिए या नीचे लिखिए, ये ताप है, ये दाब है, दोनों को दोनों बात एक ही होता है, इसमें कोई क्या है, नहीं है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा, ऊपर लिखिए नीचे लिखिए, बात दोनों का दोनों क्या होता है, सेम होता है, यही इसके लिए क्या है, मूल शर्तें हैं, यही इसको अभिक्रिया को प्रभावित करता है, ताप करेगा, दाब करेगा, सांद्रण करेगा, उत्प्रेरक करेगा, ये सभी के सभी क्या है, इसको प्रभावित करने वाले, प्रभावित करने वाले क्या है, कारक है, कहा बाबू, कारक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, और आगे एक रिएक्शन बच रखा है उसको देखते हैं। यहाँ देखिए अभिक्रिया में उत्क्रमणीयता की जानकारी, उत्क्रमणीयता का मतलब होता है उल्टा, उत्क्रमणीयता का मतलब उल्टा, जैसे जैसे हम यहाँ पर चलेंगे, इसका इंग्लिश होता है रिवर्सिबिलिटी, क्या होती है, रिवर्सिबिलिटी, देखते हैं, आर होगा, ई होगा, भी होगा, आर, एस आई, बी आई, एल आई टी वाई, ये क्या हो गया बाबू, आपका रिवर्सिबिलिटी हो गया। अगर हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत यूनिक चीज होता है, अगर हम यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या हो गया, रिवर्स हो रहा, रिवर्स मैंने क्या होता है, उल्टा, रिवर्स मैंने उल्टा, यही क्या है, उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय है, ठीक है, इसमें बिलिटी लग रहा है तो क्या हो जाएगा, उत्क्रमणीयता यानी रिवर्सिबिलिटी, यानी इधर का उधर, उधर का इधर, अभी दो मिनट में समझ में आएगा, जरा से देखिए यहां पर, हमने यहां पर लिखा बर्फ, क्या है, हमने बर्फ लिया, ये एग्जांपल आपको समझाने के लिए है,
हमने यहां पर ले लिया बर्फ, क्या ले लिया बर्फ ले लिया। अब इसको हमने क्या किया यहां पर तीर के द्वारा दर्शा दिए, हाफ तीर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हमेशा ही रिवर्सिबिलिटी के लिखने के लिए हाफ तीर का प्रयोग करते हैं, इना कि इधर से लिख दीजिएगा नहीं गलत हो जाएगा, ऐसे मत लिखिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। इसको दिखाने के लिए हमेशा ही हाफ तीर लगाते हैं, क्या लगाते हैं हाफ ना। अब देखिए इधर हमने लिखा पानी, क्या लिखा हमने पानी लिख रखा है। अब यहां आप ध्यान दीजिएगा, फिर इसको हमने ऐसे कर दिया, फिर इधर भी हाफ होगा, इधर हाफ, इधर हाफ, पूरा हो गया, हो गया ना। अब देखिए हमने जैसे ही बर्फ को गर्म करना स्टार्ट किया, क्या किया गर्म करना स्टार्ट किया, तो क्या होगा ये पानी में चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा पानी में चेंज हो जाएगा। जैसे ही यहां पर पानी को हम ठंडा करेंगे, पानी को क्या करेंगे ठंडा करेंगे, या इसको फ्रिज में रखकर इसको क्या करेंगे ठंडा करेंगे, ये कुछ समय किस में बदल जाएगा, ये बदल गया इसमें, बदल गया ना बर्फ में, यानी ये बर्फ में बदल गया, फिर ये किस में बदल जाएगा ये बर्फ, फिर इसको गर्म करेंगे, फिर इसमें क्या हो गया पानी, यानी इधर का उधर हो रहा है, यानी हेरा फेरी कर रहा है ना जी, क्या कर रहा है हेरा फेरी, बर्फ का हो जा रहा है पानी। अब पानी को जैसे ही ठंडा कर देते हैं हो जाता है बर्फ, फिर बर्फ को गर्म करते हैं हो जाता है पानी, ठीक है। इसी को बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी, इसी क्या बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं। एक रिएक्शन देखेंगे, एक चलिए यहां पर रिएक्शन देख लेते हैं, वो क्या है, वो क्या रिएक्शन है, वो क्या रिएक्शन है देखते हैं अभी, चलिए रिएक्शन देख लेते हैं इसके नीचे ना, इसी के नीचे बता रहा है क्योंकि आपको अच्छा से समझ में आए, ठीक बात सुन रहा है, इसके नीचे हम देख रहे हैं रिएक्शन, इसके नीचे देख रहे हैं हमने यहां पर देख रखा है, यहां पर N2 है, क्या है N2 है, N2 लिखा, लिखा हमने यहां पर, हमने क्या लिखा N2 लिखा प्लस प्लस N2 लिखा, और यहां पर हम लिखेंगे प्लस 3H2O, क्या लिखेंगे 3H2O, N2 लिखा प्लस 3H2O, यहां से देंगे हाफ, क्या देंगे हाफ एरो देंगे, यहां पर क्या देंगे हाफ एरो देंगे। उसके बाद यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर हमने लिखा 2NH3 लिखा, फिर इसको परिवर्तित किया जा सकता है इधर, इसलिए हमने फिर इधर तीर लगाया, यानी हमने बोला था जैसे आपको, जैसे ही हम बर्फ को गर्म करते हैं तो पानी बन जाती है, और जैसे ही पानी को ठंडा करते हैं बर्फ बन जाता है, यानी ये क्या हो रहा है एक दूसरे के विपरीत हो रहा है, उल्टा हो रहा है, इसी चीज को बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी। यहां पर हमने क्या लिया N2 लिया, यहां पर हमने क्या लिया हाइड्रोजन लिया, और यहां पर देखिए अमोनिया बना है, क्या बना है अमोनिया, फिर इसको हम इसमें परिवर्तित कर सकते हैं, इसी अभिक्रिया को बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, इसी चीज को क्या बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो सब्सक्राइब करें, ठीक है, शेयर करें, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर बनता है।